Hey guys, welcome back to my channel. So if you are new to my channel, hi, my name is Niri Chetri and I'd be really happy if you take a moment and subscribe to my channel. So आज है नेपालियों का न्यू ईयर, सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस. तो नेपाली हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलता है, तो आज बैसाख का फर्स्ट गते है, हम लोग गते बोलते हैं. तो आज है न्यू ईयर और ये साल है 2080. तो हम लोग का हिंदू कैलेंडर बहुत आगे चल चुका है हम लोग वेस्टर्न कल्चर से. तो आज हम लोग जा रहे हैं जू. तो हम लोग पहले भी जा चुके हैं बहुत बार, पर मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया. तो सोचा आज न्यू ईयर भी है और हम लोग जाएंगे भी, तो आप लोग को सबको लेके चलेंगे. स्पेशली ये हम लोग जू जा रहे हैं बच्चा के लिए, बच्चा को घुमाने के लिए, एनिमल्स सब कुछ देखने के लिए. तो सोचा आप लोग को भी ले चले. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Very hot. Hello. Hello. Thank you. China. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जू का प्लान यही कैंसिल होता है क्योंकि इतना भीड़, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भीड़ था. तो हम लोग जा रहे हैं कहीं और, चलो आपको वहाँ भी ले चलते हैं. हम लोग भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कृतिपुर में है ये, ललितपुर काठमांडू से भी आगे कृतिपुर में है. तो चलिए आपको यहाँ का भी नज़ारा दिखाते हैं. सो सौसा का फर्स्ट गेट यहाँ से स्टार्ट है. आप देख सकते हैं नेवारी कल्चर को कितना प्रिजर्व करके रखा है. ये नेवारी ट्रेडिशन है, आप कपड़ा से लेके लैंग्वेज से लेके सब कुछ आपको नेवारी मिलेगा. अगर आप लोग को नेवारी नहीं पता है तो बहुत जन इंडिया में उसको प्रधान भी बोलते हैं, श्रेष्ठ भी बोलते हैं, पर नेवारी एक टिपिकल कल्चर है. जैसे बाउन, ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, राय, लिंबू, नेपाल में बहुत सारा है, 36 वर्ण बोलते हैं हम लोग, तो बहुत सारा कल्चर्स है. तो ये नेवारी है, आप देख सकते हैं ये ड्रेस जो पहनी है, इसको हाकू पटासी बोलते हैं. ये बिल्कुल अलग कल्चर है. और यहाँ पे देखिए ओपन किचन है, आपको कुछ छुपा के नहीं होता है, सब ओपन में होता है. सो ये नेवारी का टिपिकल फर्मेंटेड राइस ड्रिंक है जो बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा लगता है. और आप देख सकते हैं यहाँ पे सबको ही नीचे बैठे हैं, जिसको प्रॉब्लम है वो मूढ़ा बोलते हैं उसमें बैठे हैं, नहीं तो सब नीचे. क्योंकि नेवारी ट्रेडिशन में जैसे पार्टीज, भोज बोलते हैं स्पेशली, वो नीचे सब जन एक ही साथ एक ही लेवल में, इसका मीनिंग है एक ही लेवल में सब बैठ के ऐसा होता है. तो हम लोग अभी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिक तरीका है, जैसे वहाँ जो डालो बोलते हैं जो है ना, वहाँ बेच रहे हैं उसमें दही और हाँस का छोइला, वो डक का स्पेशल कुछ होता है, वो लोग मतलब यूनिक तरीका से उसको सर्व कर रहे हैं. तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि अपना कल्चर सब प्रिजर्व हो रहा है. मतलब नया टूरिस्ट कोई आए तो कुछ यूनिक मिलेगा, जैसे हर कंट्री में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, नेपाल में भी बहुत सारा कल्चर है. मैं पूरा आऊँ
सो आप देख सकते हैं जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है बहुत भीड़ हो रहा है, और यहाँ पे आपको, हम लोग अच्छा टाइम में आ गए थे, नहीं तो यहाँ पे आपको लाइन में वेटिंग में बहुत रहना पड़ता है। तो आप देखिए पूरा भर चुका है और यहाँ पे अब स्टार्ट हो चुका है लाइव म्यूजिक। Are you gonna dance today? No. Yay, yay. I'm your mama. Are you? Let's go. Food now. So now we are going to live. आगे घर वहाँ से, और अभी बज रहा है, व्हाट्स द टाइम नाउ, 7:30 अचानक प्लान बना कि हम पूरी चौक में ही रहेंगे आज, तो न्यू ईयर का दिन है तो आज सोचा कि सब लोग साथ ही में रहेंगे, तो मम्मी का घर नहीं हम लोग रुक रहे। मैंने लास्ट टाइम ही बताया था ये घर में मैं बचपन से ही आई हूँ, तो इग्नोर माय लोनलीनेस। और अब हम लोग बना रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग? चिकन मेहंदी बोल रहा हूँ चिकन बनेगा, पार्टी पजामा पार्टी चल रहा है। ट्वाइस रोल ट्वाइस है रे, सो आई गॉट टू रोल ट्वाइस, वन ओके, दिस इज नॉट फेयर, फोर ओके, one two yummy